तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूप में। और आज मैं एक नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री शो लेके आया हूँ, जिस शो का नाम है हाउस ऑफ द सीक्रेट दी बुराड़ी डेथ। और इस शो को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये शो हमको ऐसा क्या नया दिखाता है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस शो को देखते समय, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा मेंटली भाई स्ट्रांग नहीं है ना, तो भाई इस शो को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इस शो में कुछ वीडियोस कुछ पिक्चर्स ऐसे दिखाई जाएंगे ना, जिसको लेकर आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो। तो भाई इस शो को यार अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत देखना। और ये पूरा शो ना 2018 की घटना पे बेस है, जो संतनगर बुराड़ी में 11 लोगों की डेथ होती ना, ये उसी के ऊपर बेस है। और एक शो करके एक पूरा एक्सप्लेन किया गया कि भाई एक्चुअली में रियल में क्या हुआ था। और इस शो में आपको कुल मिला के 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे, और पर एपिसोड 1 घंटे के आसपास का है। और अगर इस शो के रिव्यू की बात करें, तो भाई ये शो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि जब मैंने ये पहले खबर सुनी थी ना कि भाई संतनगर बुराड़ी में 11 लोगों की डेथ हो चुकी है, और कैसे हुई है इसका अभी तक आउटपुट नहीं निकला, और पुलिस वाले भी नहीं पता लगा सकते कि भाई एक्चुअली में रियल क्या हुआ है, लेकिन इस शो में ना आपको एक्सप्लेन किया जाएगा 3 एपिसोड में कि भाई एक्चुअली क्या हुआ था, ये मर्डर था, डेथ थी या एक्सीडेंटल डेथ थी। क्योंकि जब आप इस शो को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई एक्सीडेंटल डेथ क्या होती है। और ये पूरा शो ना एविडेंस के ऊपर कलेक्ट किया गया है, और जितने भी उनके पड़ोसी थे या उनके नेबर थे या तो फिर उनके रिलेटिव थे, ये सारी चीज़ों से उनसे बात करके पूरे डॉक्यूमेंट्री शो बनाया गया है। और पर्सनली भाई इस शो में आपको बहुत से और एक्स्ट्रा लोग देखने को मिलेंगे, जैसे पुलिस वाले हो गए, CBI हो गए, फॉरेंसिक लैब वाले हो गए, कि भाई जो भी वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं उनका क्या सारा आउटपुट निकलता है। इस शो में बहुत से लोगों ने जब ये घटना देखी थी ना, तो भाई देखते ही बोले थे कि भाई ये पहली बार देखा कि एक साथ 11 लोगों की मौत। और इस शो में आपको देखने को मिलेगा कि भाई घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जैसे एक घर है उसके बाहर पाइप निकल रहे हैं, कुल मिला के 11 पाइप, और वो सारी चीज़ें ना वो कैसे आत्मा से कनेक्ट कर रहे थे, लाशों से कनेक्ट कर रहे थे, और वहाँ पर एक दरवाज़ा था जिसमें कुल मिला के 11 सलाखें लगी थी, तो उससे कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग होते बात कर रहे होते कि भाई ये पाइप निकले हो 11, तो वहाँ पर जो एक न्यूज़ रिपोर्टर होता ना वो भी सुन लेता है। इस शो में ना भाई न्यूज़ रिपोर्टर ने बहुत पैसा छापा एक तरह से, क्योंकि आज के टाइम में जो भी न्यूज़ वाले होते हैं ना, वो कुछ एक्चुअली भाई कुछ मसाला जोड़ते हैं, क्योंकि जब ये केस आया था ना, हर कोई भाई टीवी न्यूज़ खोल के ये देख रहा था कि भाई एक्चुअली रियल क्या बताया जा रहा है, लेकिन बहुत से न्यूज़ पर कुछ ज़्यादा मनगढ़ंत कहानियाँ, कैसे उसको तांत्रिक से कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे पूजा से, कैसे किसी क्राइम से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये इनका भाई धंधा चल चुका था, और कैसे भाई इस केस को इतना खींचा गया था। जब इस केस की खबर ना पुलिस वालों को लगी थी, तो पुलिस वाले जब उस घर में गए थे तो क्या सिचुएशन रही थी, और जब 11 एम्बुलेंस उस घर के नीचे लगती है तो क्या मंजर देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको शो में देखने को मिलेगा। और इस शो के एक कैरेक्टर की बात करूँ ना, तो इस शो में सबसे ज़्यादा नाम लिया गया है ललित के कैरेक्टर का, जो इसमें पूरा हेड होता है, अपने परिवार का मुखिया होता है। क्योंकि इस शो में आपको देखने को मिलेगा जो ललित का कैरेक्टर था ना, वो अपने फादर से बहुत जुड़ा हुआ था, और इस शो में दिखाया भी गया है कि वो अपने फादर से बात करता रहता था, तो कैसे बोलता है कि रात को पूजा होगी, और ये जो पूजा है ना किसी के बारे में नहीं बताया जाएगा, और पुलिस वाले भी इन बातों का भाई एक्सप्लेन करते हैं कि डायरियों में जितनी भी बात लिखी ना, ये सारी बातें 5 साल पहले से चल रही है कि इनके घर में हवन होता था, और उस डायरियों में कुछ अच्छी बातें भी लिखी होती है, जैसे कि पैसा कहाँ लगाना सेव रहेगा, और किसकी शादी कहाँ करनी है, और इनकी डायरी में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई थी कि भाई बाहर के लोगों को नहीं बताना, क्योंकि बाहर के लोग हमको पागल सोचेंगे। और भाई इस शो में सबसे अच्छी चीज़ मेरे को एक लगी है, जो इनके जो फादर्स होते हैं ना, वो बैकग्राउंड में जो भाई उन लाइनों को बोल रहे होते हैं, जो भी चीज़ें चल रही होती है भाई, वो मुझे शो का भाई एकदम मास्टरपीस लगा, क्योंकि भाई जो बैकग्राउंड से आवाज़ आती है ना भाई, एकदम दिल दहकाने वाली। इस शो में आपको देखने को मिलेगा उनकी डेथ से लेके भाई दाह संस्कार तक की जितनी भी जर्नी होती है ना, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इनकी फैमिली को, जो मतलब कहीं बाहर रहते हैं, वो सारी चीज़ें आके जब ये देखते हैं तो क्या क्या मंजर होता है, और क्या क्या उनको डील करना पड़ता है पुलिस वालों से, ये सारी चीज़ें आपको शो में देखने को मिलेगी। और जब इसकी भनक ना भाई पुलिस वालों को लगती है, तो जो पड़ोसी लोग होते हैं ना, वो पुलिस वालों से कैसे भाई भिड़ से जाते हैं कि ये सुसाइड का केस नहीं है, इसको मर्डर का केस लीजिए आप, और जिन लोगों ने ऐसा किया है ना उसको पकड़ लीजिए। और जब एविडेंस खुलते हैं ना, तब पता चलता है कि भाई असल में हुआ क्या था। और इस शो के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, वरना इस शो के लिए थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। और ये शो भाई पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, इस शो को आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन भाई संभल के देखिएगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।